तो इसके अंदर है ये। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं 9:30 बज रहा अभी, और अभी मैं नहा के एकदम मस्त रेडी हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, कल रात को मैंने एक अनबॉक्सिंग की थी, वो जाके आप पहले देख लो, फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अभी अभी मैंने एक वीडियो एडिट कर दी, मतलब अपने 100 रुपये चैनल वीडियो एडिट करके कंप्लीट करके हटाया है। तो अभी अभी शाम के बज रहे हैं, अभी रात के 8:30 बज रहे हैं, शाम के नहीं रात के 8:30 बज रहे हैं। तो अभी डैडी एजेंसी से आए और डैडी ने कुछ ऑर्डर किया था अमेजोन से, तो अभी तक उन्होंने ये खोला नहीं था। तो अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा, देखते हैं इसके अंदर है क्या चीज़, क्या मंगाया उन्होंने। तो वही अपना 5 रुपये वाला कटर। तो और तुम कैमरा थोड़ा सा नीचे करो, इसको थोड़ा सा दिखाओ कि अनबॉक्सिंग हो रहा है, ऐसे ऊपर का कैसे करो। तो अभी क्या, अभी ट्राइपॉड से मैं करता तो उतना अच्छे से आता नहीं अनबॉक्सिंग। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैंने पकड़ा दिया अपने बहन को, अभी इसको खोलते हैं। तो इसके अंदर क्या है ये, तो इसके अंदर है ये स्टीमर। स्टीमर डैडी के पास एक तो था ना पहले से, वो खराब हो गया ना बेटा, कोरोना रिटर्न हो रहा है, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। कोरोना रिटर्न नहीं हो रहा, अब जैसे मौसम वगैरह चेंज होता है तो डैडी को सर्दी खांसी होते रहता है, तो उसके लिए स्टीमर मंगाया। मुझे लगा कुछ और होगा, कुछ अच्छा सा इंटरेस्टिंग चीज़ होगा, तो स्टीमर है। ये हम लोग पास एक था तो वो खराब हो चुका है, लीजिए अपना सामान रखिए अपने पास। मैंने सोचा था कुछ इंटरेस्टिंग सा चीज़ होगा तो अनबॉक्सिंग करेंगे बढ़िया से, मेरे को पता ही नहीं था कि स्टीमर है वो। स्टीमर होता तो मैंने उसको अनबॉक्सिंग करता। चलो अनबॉक्सिंग कर दिया, तो वीडियो में ले लेंगे। सरप्राइज हो गया ना, तुम्हारे लिए भी सरप्राइज गिफ्ट था। कोई सरप्राइज नहीं था, चलो हटाओ। मेरे को लगा कुछ अच्छा सा होगा, ऐसे ले करके आया डैडी, उसको खोला नहीं था, तो मुझे सोचा कि चलो अच्छा अनबॉक्सिंग करते हैं चैनल पे। कुछ भी हो अनबॉक्सिंग तो किया ना, मजा आ गया अनबॉक्सिंग करने में। चलो अभी खाना खाने जा रहा हूँ, वीडियो एडिट कर रहा था तभी से बैठ के, और कीबोर्ड मेरे खत्म हो गए तभी, और टीवी पीछे चल रहा है तो थोड़ा आवाज़ वगैरह आ रहे होंगे। तो वही तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ऑल इंडिया फेमस, ऑल इंडिया फेवरेट। तो अभी खाना खाने जा रहा हूँ मैं, खाना खा लेता हूँ और फिर ब्लॉग अपना कंटिन्यू करेंगे। हाँ, तो अभी का सीन क्या है, अभी क्या हुआ, 9:30 बज रहे हैं, तो आज मेरे को स्कूल जाना था। नहाया हुआ मैं स्कूल जाने के लिए, फिर पूजा करने के लिए मैं मंदिर गया, और मंदिर से आते वक्त मेरे दिमाग में ऐसा आया कि आज स्कूल नहीं जाता, मन नहीं कर रहा स्कूल जाने को। तो मैं सोचा कि आज स्कूल नहीं जाता है। तो हुआ क्या, एकदम प्रॉपर तैयारी हो चुकी थी स्कूल जाने की, लंच भी पैक हो चुका है। देखो लंच भी तैयार था स्कूल जाने के लिए, पालक की पूरी, मशरूम की सब्जी, मस्त लंच था। बट मैंने स्कूल जाने का प्लान ही ड्रॉप कर दिया, मतलब तैयार एकदम बिल्कुल रेडी था मैं स्कूल जाने के लिए। मंदिर गया, मंदिर से आता हूँ, मैं सोचा स्कूल नहीं जाता है, मन नहीं कर रहा स्कूल जाने का, थोड़ा कोई और रीज़न था। तो मैं सोचा स्कूल नहीं जाता है, तब स्कूल नहीं जाना। अभी क्या करेंगे, लंच को हम ब्रेकफास्ट में खाएंगे, तो ब्रेकफास्ट में अभी खाते हैं, खाना खाते हैं अभी, और खाना खाने के बाद तो अच्छा होता धूप चलेंगे। और आज सुबह ऐसा मौसम हुआ था, मतलब उतने दिन से धूप हो रही थी एकदम लगातार, आज सुबह एकदम कुहासा हो गया था बिल्कुल। तब भी अब हम लोग लंच को लेते हैं अपने ब्रेकफास्ट में, और ब्रेकफास्ट में एक चीज़ बढ़ गया, एक जलेबी। जैसे कि आपको पता है कि हर शनिवार मंगलवार को प्रसाद लेने जाता हूँ, तो जलेबी मैं लेके आता हूँ, तो एक ही जलेबी खाता हूँ, ज़्यादा नहीं, एक जलेबी बस। तब भी इसको खाते हैं खाना, हाँ खा रहा। तो अभी खाना खाते हैं, मस्त खाना है अभी, देख लो एक बार और आप खाना पीना। और जो स्कूल का बॉटल भरा था पानी के लिए, वो साइड में रखा हुआ है उधर, वो पी लूँगा मैं अभी, हो जाएगा काम। लंच लंच के मतलब लंच को यूज़ कर लिया ब्रेकफास्ट में, मिलते हैं बाद में खाना वाना खाने के बाद। तो मतलब रोज़ मैं सोचता हूँ कि रोज़ 4 या 5 लीटर पानी पीने को, मतलब सुबह से लेकर शाम तक के बीच में 4 से 5 लीटर पानी पीने को, लेकिन कभी मैं 1-2 लीटर ज़्यादा पानी पी नहीं पाता हूँ। और मेरे को पानी पीने को कब याद आता है, जब मेरे सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जिस दिन मैं पानी बहुत ज़्यादा कम पीता हूँ ना, उस दिन में सिर में दर्द होने लगता है, माइग्रेन, मतलब अब माइग्रेन की वजह से होता है कि किसके वजह से होता है, लेकिन मतलब जब मैं पानी बहुत ज़्यादा कम पीता हूँ मैं सिर में दर्द होना चाहता। अभी मेरे सिर में दर्द हो रहा था, मतलब नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं बिस्तर पर ऐसे पड़ा हुआ था, मोबाइल फ़ोन देख रहा था, तो अब या तो फ़ोन देखने की वजह से हो रहा था या किसकी वजह से हो रहा था पता नहीं, तो ऐसे ही मैं सिर में दर्द हुआ, तो मेरे को याद आया हाँ पानी पीना ज़रूरी है। तो 5 लीटर पानी, लेकिन कभी पी नहीं पाता हूँ, लेकिन आज मैं ट्राई करूँगा पीने को, आपसे ट्राई करना रोज़, मतलब रोज़ सुबह यही सोचता हूँ लेकिन फिर भूल जाता हूँ, और रोज़ ये भी सोचता हूँ कि अलार्म लगाने को, लेकिन फिर अलार्म लगाना मैं भूल जाता हूँ। तो अभी क्या है, अभी मैं बैठे काट रहा हूँ ये चिप्स, देखो चिप्स काट रहा हूँ मैं इस पर, तो एक मिनट में दिखाता हूँ आपको, ये मशीन है, इसे बहुत मज़ा आता है मुझे ऐसे चिप्स काटने में, तो इसे बस ऐसे ऐसे हाथ चलाते जाओ मस्त, और नीचे चिप्स काट के गिरता रहेगा, मतलब हर साल जब भी चिप्स बनता है तब मैं ही काटता हूँ ऐसे। सबसे ज़्यादा खाता ही मैं, काफ़ी मज़ा आता है ऐसे काटने में, देखने में थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन उतना मुश्किल पता नहीं है, बहुत सिंपल है, बस ऐसे ऐसे हाथ आप चलाते रहो बस,
चिप्स को काटने के बाद से काम पूरा नहीं होता, चिप्स को काटने के बाद उसको उबालना पड़ता है। जो भी चिप्स काटा हुआ था देखो ये उबल रहा है, देखो पूरा धुआं निकल रहा है, पूरा भाप ये उबल रहा है, ये उबल के इसमें निकाला जाता है और इसमें निकालने के बाद इसको धूप में फिर सुखाया जाता है, तब जाके और धूप में सुखाने वाला काम हमेशा मेरा ही होता है शुरू से। हाँ तो मैं चिप्स काट देता हूँ, मम्मी ये कर देती है और ये प्रसाद उबालने वाला काम, सबसे मेहनत वाला काम हम तो काम। अरे जैसे मेरे को क्या मतलब जरूरी नहीं है मेरे को वो काम करना, मेरे को है पसंद पड़ता है वो, मेरे को ऐसे चिप्स काटना मेरे को अच्छा लगता है, वो उसका मशीन जो कटर मशीन है उसका उससे मस्त एकदम मज़ा आता है काटने मेरे को, इसीलिए मैं सोचता हूँ चलो करना ही, तो मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, उसी बार मुझे मज़ा आता है और मैं हेल्प कर देता हूँ थोड़ा सा। तो चिप्स अभी कट चुके हैं, अब चिप्स कटने के बाद अब इसको सुखाया जा रहा है, जैसे देख सकते हैं अभी ये तो ये काम तो हमेशा मेरा ही रहता और है। यही काम सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, ये चिप्स सुखाने वाला काम जो होता है ना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसमें बिल्कुल मतलब ये जो चिपक जाते हैं चिप्स एक दूसरे से, ये देखो यहाँ से उठाना चिप्स को फिर वहाँ चिपकाना बहुत मुश्किल होता है, ये धूप में आइए ऊपर नीचे हो रहा है, चलो उतना कोई बात नहीं है। तो ये काम सबसे ज़्यादा इसमें वांदा होता है, तो वो काम मैं नहीं करता हूँ, इसमें छूता ही नहीं हूँ, मेरे को पसंद ही नहीं है। हाँ, खाने में तो बहुत पसंद आता है और सबसे ज़्यादा चिप्स खाता मैं ही हूँ। चलो मैं इसको मतलब मैं स्वीकार कर रहा हूँ इस चीज़ को, कैमरे के सामने मैं स्वीकार कर रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा आज गुड लक इस चीज़ का है कि आज बंदर नहीं आया अभी तक, मतलब अभी तक बंदर नहीं आया, इसीलिए हम लोगों ने ये मतलब चिप्स वगैरह काट लिया, एक सडन प्लान बना, क्योंकि रोज़ बंदर आ जाते थे, रोज़ बंदर आ जाते थे, और अगर आज भी बंदर आ जाते तो फिर ये चिप्स सुखाना मुश्किल हो जाता, तो आज बंदर नहीं आए थे तो सडन प्लान बना कि चिप्स काटे, मतलब चिप्स तो वैसे भी मतलब बनाना ही है चिप्स, तो आज ही बना लेते हैं, और आज धूप भी निकली थी, बंदर भी नहीं आए थे, सब कुछ मतलब अपने हिसाब से था तो कर लिया। अभी मैं आया हूँ जिम से, मतलब जिम से तो मैं 6:30 बजे आ गया था, और मेरे को आज याद ही नहीं आया कि जो पिछले वाला वीडियो था मतलब 100 रुपीज़ चैलेंज वाला, उसमें मैंने थंबनेल तैयारी नहीं किया था, सब कुछ तैयार था, थंबनेल तैयार करना था मेरे को, और थंबनेल तैयारी नहीं किया था, जिम चला गया था मैं, अब जिम में जाने के बाद मेरे को याद आया, और 6:30 बजे मेरे को वीडियो पब्लिक करनी थी, नहीं हो पाई, 7 बजने में 1 मिनट कम था तब हो पाई। जिम से आया मैं, फटफट थंबनेल तैयार किया, और अभी तक प्रोटीन भी नहीं पिया, और देखो जिम से आने के बाद हालत देखो ये पूरा पसीना से, अभी पीछे का मैं कैसे दिखाऊँ आपको, एक मिनट दिखाता हूँ मैं, पूरा पसीना से गीला, पूरा पसीने से भीग चुका हूँ, पूरा टी शर्ट भीग चुका है। अभी जाते हैं प्रोटीन पीते हैं, वीडियो पब्लिक हो चुकी है नहीं देखिए तो जाके अभी देखो, बहुत मस्त वीडियो 100 रुपीज़ चैलेंज शानदार, जाके देखो अभी, तब तक हम मैं प्रोटीन लेता हूँ फिर बात करते हैं। अभी अभी डैडी आया एजेंसी से, तो एजेंसी से आने के बाद से डैडी के लिए सरप्राइज, अभी सरप्राइज है वो, हाँ तो पहले सबसे पहले डैडी पानी पी लें, डैडी सोच रहा है क्या चीज है लेकिन जब देखेंगे तो मालूम चल जाएगा, तभी दिखाते हैं सरप्राइज क्या है। रजाई के नीचे पर्ची तो है, थोली है, ये तो बहुत जरूरी है डैडी, ये सरप्राइज गिफ्ट हम ही दिया है, कुछ तुम्हारा बर्थडे में भी दे देंगे, अच्छा सा आज ही। डैडी का पर्स पुराना हो गया था ना, इसलिए नया पर्स मंगाया। कैसा है पर्स? तो बहुत बढ़िया है डैडी, कैसा आप जैसे बोले थे चैन वाला, वैसे आपका चैन वाला। डैडी को तो पता था कि पर्स हम लोग देने वाला, लेकिन डैडी को ये नहीं पता था कि आज ही आने वाला है, डैडी को लगा था 25 तारीख को आएगा, तो इसलिए हमने सोचा सरप्राइज सरप्राइज, कुछ भी सरप्राइज नहीं था, पता था पहले से। कैसा लगा डैडी पर्स? ये तो बहुत बढ़िया है, आपका चैन वाला है जैसे कि आप बोले थे चैन वाला। डैडी का हम लोगों ने पर्स दे दिया, मतलब डैडी को पता था कि हम लोग पर्स देने वाले, डैडी को ये नहीं पता था कि पर्स था, ऐसे ही मजाक में हाइप क्रिएट किया हम लोगों ने, सरप्राइज 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 कुछ नहीं था, ऐसे नॉर्मल था पर्स। तो ये हम लोगों ने डैडी का पर्स खराब जो गया था, तो ये हम लोगों ने मंगाया था, तो इसके वजह से थोड़ा सा हाइप क्रिएट किया, जरूरी नहीं था ये हाइप क्रिएट करना, लेकिन कर दिया ब्लॉग में करने के लिए कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग था, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी तो शेयर कर देना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।